पूछिए इंस्पेक्टर हेलो, हाँ डीएसपी साहब बोल रहे हैं, रविंद्रनाथ महतो जी बात कर रहे हैं। अरे तो बोल रहे हैं कि यहाँ तभी से आंदोलन में है सब कोई और आके वार्ता नहीं कर रहे हैं, एक बार भी बात नहीं कर रहे हैं। आप आइए, यहाँ आइए, कैसे जो अधिकारी पदाधिकारी हैं आप लोग एक शॉर्ट आउट नहीं कर रहे हैं। अरे तब से है, किन से क्या बात किया, क्या क्या प्रयास किया अभी तक, ये बताइए हमको। तो तब से है तो अच्छा, आप यहाँ आइए ना, हम तो तभी से भेजे हम लोग अपना लड़का लोगों के वार्ता के लिए। कौन आया ये बताइए। अरे उधर जाकर हम क्या बात करेंगे बताइए ना, उनको सुनिए मेरा बात। आप ना ना देखते देखेंगे ना उनका आना जो है उधर जाके बात करेगा, उधर जाके क्या बात करेगा। सुनिए मेरा बात सुनिए, अगर आके बात करके वार्ता करके अगर इसको शॉर्ट, सुनिए मेरा बात सुनिए समझाने, मतलब ऐसे समझाने से क्या होगा, जब डिमांड पे ना बात होना चाहिए। अगर बात नहीं हो गया तो सूचना क्या बोल तो उसको बुलाइए ना, कहाँ है। हम ये नहीं कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि अगर 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 अभी घड़ी देख लीजिए, हाँ तो सुनिए मेरा बात सुनिए, नहीं नहीं एक्शन क्या लीजिएगा, हम लोग लाठी चार्ज कर दीजिएगा, FIR कर दीजिएगा, ये ना करिएगा। गजब बोल रहे हैं आप, तो पीड़ित परिवार को धमका रहे हैं, तो फिर आप बोल रहे हैं फोर्स बुला रहे हैं, कार्रवाई करेंगे साइड में, यही है अधिकारी पदाधिकारी का यही काम रहा। नहीं नहीं वो ठीक है, सुबह से है। अच्छा अच्छा एक बात बताइए, जो भी इंटरप्राइजेज कंपनी का ओनर है, मालिक है, डायरेक्टर है, मैनेजमेंट है, वो अभी तक आया। नहीं तो आप पहल कर सकते हैं ना, पहल कर सकते हैं कि नहीं। नहीं तो आप पहल नहीं कर सकते हैं। नहीं नहीं तो वो कहाँ आ रहा है, वो तो आ ही नहीं रहा। देखिए डीएसपी साहब मेरा बात सुनिए, डीएसपी साहब इन लोग का मानवता मर चुका है। आप लोग के नाक के सामने जो है कि अवैध रूप से बालू का ढुलाई कर रहा है। नहीं नहीं अगर 20 मिनट के अंदर नहीं आएगा तो हम लोग बॉडी को लेकर के उसका दरवाजा के सामने, ऑफिस के दरवाजा के सामने हम लोग रखेंगे। साफ बात हमेशा खाली। अरे ये लोग और प्रशासन अंधा हो गया है जी, और खनन विभाग अंधा हो गया है। अवैध रूप से बालू ढुलाई हो रहा है, लोग देख नहीं रहे, लोग आग के सामने अवैध रूप से बालू ढुलाई हो रहा है। और थाना पर अभी तो एनजीटी के आधार पे तो 10 जून से 15 अक्टूबर तक बंद है। अभी पकड़ा गया तो कहीं से फर्जी कोई चलान की व्यवस्था करेगा और क्या करेगा,
कोर्ट को तो जवाब देगा, लेकिन आम पब्लिक देख रहा है ना जी। नहीं नहीं, चलान में भी आपका उतना सेफ्टी का थोड़ा था चलान, बड़ा सेफ्टी का चलान निकाल लेगा। अरे ये लोग अवैध काम कर रहा है और प्रशासन खनन विभाग पदाधिकारी अंधा हो गया, तो बढ़िया से पूरी तरह अंधा हो गया है। सबको दिया सबको दिया नाक के सामने इन लोग का बढ़िया बढ़िया आज इच्छा कर यही सब बर्बाद हो गया। कैसे कैसे ये बाबू पुलिया बनाना बाली निकाल के पूरा ध्वस्त कर और वही रोड पे चलाना और रोड का टेंडर निकालो और फिर रोड में भी चलाओ, रोड को कमजोर करो, रोड करोगे टेंडर निकलेगा टेंडर में। अरे मालदा का पाकिस्तान का चलान से लोग चलाएगा अभी आज समझ में आएगा। अभी इस मुद्दे से लड़ेगा तो एक्शन लेंगे, हम लोग अब एक्शन में लेंगे क्या, गोटी को ले जाएंगे अपना, उनका गेट के सामने हम लोग रखेंगे, अपना गाड़ी उड़ी मंगाइए। हाँ यहाँ रख के क्या करेंगे, एलिमेंट्री प्राइसेस गेट के पास बैठ जाएंगे धरना में अनिश्चित काल। 12 घंटा हो गया, किसी का डेड बॉडी पड़ा हुआ है, चक्का के नीचे अभी भी है। सर माना चाहिए थोड़ा सा मानवता, इन लोग का बिल्कुल मर चुका है, पैसा से अंधा हो गया इन लोग, आँख कान नाक कान से बर्बाद हो रहा है। क्या बोले भैया, अरे एम्बुलेंस का चला रहा है लोग, एकदम आम आदमी का जीवन से बिल्कुल लेना देना नहीं। देखिए एक्सीडेंट तो ऐसा से होता है, डीएसपी सर बोलते हैं। और अधिकारी पदाधिकारी खनन विभाग थाना पुलिस सब अंधा हो गया, वहाँ बकरी चरा जैसे बैठा हुआ खेत काड़ में, सब समझ में आएगा प्रशासन को, अधिकारी वेश पहना हुआ है, वेश में एकदम है, बहुत बड़ा मोमेंट में होगा ये, यही लोग चोर को मतलब। देखिए हम मानते हैं कि अगर एनएच होता है तो एनएच में कहीं कहीं दुर्घटना घटता है, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस तरीके का रोड में अभी अवैध रूप से बालू ढुलाई, ओवरलोडिंग और घर का परमिट नहीं, चलान नहीं, अभी नदी से बालू उठाओ रोक है कितना, और 12 घंटा हो गया, 12 घंटा से कोई वार्ता कर रहा है, ये कैसा न्याय है, ये कैसा नियम है, नियम और कानून बताता है लोग। अरे किसी परिवार के लिए मृत्यु कितना बड़ा सदमा का चीज है, इन लोग के लिए ये वो बढ़िया से बोट जाओ ना रे, बढ़िया से वार्ता होगा, बढ़िया से बोट जाओ, बोट जाओ वार्ता नहीं, गाड़ी को गाड़ी मंगाइए, बॉडी को लेके इंटरप्राइजेज का गेट में हम लोग रहेंगे और वहीं पे हम लोग अब धरना प्रदर्शन करेंगे। बॉडी को प्रशासन का हैंड में किसी भी हाल में जाने नहीं देना है।
गाड़ी मंगाइए और उसको हम लोग लोड करके ले चलते हैं। हाँ तो उसको यहाँ रात 12 घंटा बैठा, दिन में कोई नहीं सुना, सबको चलिएगा ना, पीड़ित परिवार के साथ हम लोग का भाई बहन बोलो बोलो गए तो इतने धमकी दे रखी है घंटा पर सारा चक्कर मजे ढुका बार गाड़ी चलाएंगे क्या बकरी बकरी का इससे ज्यादा मिलता है? खसी मुर्गा है का? कितना बोल रहा है? कितना बोल रहा है? एक लाख। एक लाख। खसी मुर्गा समझा? आई बताई थी चीते। आई बात जाना। देखो क्या कॉल कॉल बात से बात जवाब सामने होगा। और रकम कॉल कॉल आई। तुम आते तो कर चाहे? ना आई तो ना ट्रैक के सामने आसो। बात सुनकर लग रही है। तार पूरे घंटे कॉल पड़ा होगा। रोज कम असर हुआ। कम समय पहले बस सब क्लियर हो गया, हाईजैक करके अपना ऑफिस में गया है वाला जाकर मारखान के बड़ा नाम है। इसने के मरे तो मौजे के लेकर मरे हमारे मुर्गी और बकरी मार के ले गया रिपोर्ट लग मार ये वही घोड़ा लेकर इलाक बने बात से सवाल का क्या है और वो आप ऑफिस ले गया और तो जन सेवा ही लॉस छोड़ के देखो जन सेवा ही लॉस दूर घंटा तो हां तो मेरा पूरा काम तो क्या किया लेकिन जिला भी स्टाफ है आप वहाँ पता नहीं जिला रांची में सेम यही चीज हुआ, एक जन का मृत्यु हो जाता है, हम लोग जिला से निकले हैं और यहाँ पहुँचते पहुँचते बुला के अपने ऑफिस में सब कार्रवाई कर दिया, इतना लाख दिला दिया, करेंट वाला 3 लाख रुपए दे दिया, अभी भी जाइए, अभी भी नहीं।